Hello friends, welcome to My Solutions. यह वीडियो यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट सीरीज का 9th वीडियो है और इस वीडियो में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं या फिर रिमूव कैसे करते हैं यह इस वीडियो में सीखेंगे। तो एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट भी आ सकती है कि आपको किसी यूजर अकाउंट को डिलीट करना पड़े, ठीक है। तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं यूजर अकाउंट को डिलीट करने की, वो इस वीडियो हम देखेंगे कि यूजर अकाउंट को डिलीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि जिस यूजर अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं वो सर्वर मशीन पर लॉगिन तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वह यूजर अकाउंट जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं अगर वह सर्वर मशीन पर लॉगिन है तो आप उस यूजर अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप्स है कि जिस यूजर अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको लॉक कर दीजिए, ठीक है, जिससे वह यूजर अकाउंट कहीं पर लॉगिन नहीं कर पाएगा। सेकंड स्टेप है कि उन सभी प्रोसेस को आप किल कर दीजिए जो उस यूजर अकाउंट के द्वारा रन की गई है, ठीक है। थर्ड स्टेप है उस यूजर अकाउंट का आप बैकअप ले लीजिए, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको उस यूजर अकाउंट का बैकअप लेना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है यूजर डेल या डेल यूजर कमांड की सहायता से आप उस यूजर अकाउंट को डिलीट कर दीजिए। ये चार स्टेप हैं किसी भी यूजर अकाउंट को डिलीट करने के लिए जो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मशीन में कितने यूजर अकाउंट हैं। केट स्लैश एटीसी पास डब्ल्यू टी, तो देख लीजिए यहाँ पर एक यूजर अकाउंट है अजय विजय A1 A2 A3, ठीक है। माई सॉल्यूशंस ये सभी यूजर अकाउंट हैं। तो जैसे मैं A3 यूजर अकाउंट को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस यूजर अकाउंट को लॉक कर देना है यूजर मोड कमांड की सहायता से A3, ठीक है। उसके बाद उन सभी प्रोसेस को हमें डिलीट करना है जो इस यूजर अकाउंट के द्वारा रनिंग है, ठीक है। तो प्रोसेस कौन कौन सी ये रनिंग है A3 यूजर अकाउंट के द्वारा, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए pgrep -u A3, तो ये यूजर अकाउंट बताएगा कि A3 के द्वारा कौन कौन से प्रोसेस रनिंग है। तो अभी कोई भी प्रोसेस रनिंग नहीं है इसलिए कुछ भी सोने का रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हम रूट की चेक करते हैं, तो रूट के द्वारा इतनी प्रोसेस रनिंग है, ठीक है। तो अगर A3 के द्वारा भी अगर कोई प्रोसेस रनिंग होती तो हमें डिस्प्ले करता, यहां पर डिस्प्ले करता, ठीक है। तो अभी कोई प्रोसेस रनिंग नहीं है A3 के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में चेक करना है, प्रोसेस की डिटेल चेक करनी है कि प्रोसेस आईडी क्या है उस प्रोसेस की और पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या है, प्रोसेस स्टेट क्या है, टर्मिनल कौन सा यूज हो रहा है, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है ps -f --pid$ और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है pgrep -u √। मैं रूट की चेक करना चाहता हूं इसलिए यहां पर रूट लिख रहा हूं। आप जिस यूजर अकाउंट की चेक करना चाहते हैं प्रोसेस आईडी और उसकी डिटेल, तो प्रोसेस और उसकी डिटेल्स, तो उस यूजर अकाउंट का आपको नेम यहां पे स्पेसिफाई करना है। तो ये देखिए यहां पे डिटेल में शो कर रहा है कि रूट यूजर के द्वारा ये प्रोसेस रनिंग है, यूजर नेम और उसकी पीआईडी है, ये पीपीआईडी यानी पेरेंट पीआईडी है, ये स्टार्ट टाइम ये है, टीटीवाई स्टेट टाइम और सीएमडी टर्मिनल कौन सा यूज हो रहा है, पाथ क्या यूज हो रहा है, वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस कमांड की सहायता से उस प्रोसेस का यूजर नेम, किस यूजर के द्वारा वो रनिंग है, प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट,
टाइम और पाथ आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस को रिमूव करने के लिए आप कमांड एग्जिट करना किल, और उसके बाद उस प्रोसेस का प्रोसेस आईडी आपको टाइप करना है। ठीक है, जैसे मैं 6790 इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो वो प्रोसेस आईडी आपको टाइप करके एंटर की प्रेस करनी है। ठीक है, अभी वैसे कोई प्रोसेस नहीं, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए लिया था। ठीक है, तो और उसके बाद अगर किसी यूजर स्पेसिफिक की सभी प्रोसेस को आपको रिमूव करना है एक साथ, तो उसके लिए आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं किल ऑल स्पेस हाइपन 9 स्पेस हाइपन यू स्पेस यूजर नेम A3। ठीक है, तो ये कमांड आप एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो यह कमांड A3 यूजर के सभी प्रोसेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अभी A3 के द्वारा कोई प्रोसेस रनिंग नहीं है, इसलिए मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। कमांड उसके बाद प्रोसेस किल करने के बाद में तीसरा स्टेप है कि उस यूजर अकाउंट का आपको बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए आपको टार कमांड का यूज करना है। जैसे मुझे यूजर अकाउंट A3 की होम डायरेक्टरी का बैकअप लेना है, तो उसके लिए मैं टार कमांड एग्जीक्यूट करूंगा इस तरह ZCVF स्पेस /etc, कहां पर आप उस बैकअप को स्टोर करना चाहते हैं उसका पाथ माय सॉल्यूशंस, उसके अंदर यूजर बैकअप, और उसके बाद /home/A3। ठीक है, तो जैसे आप ये कमांड एग्जिट करेंगे तो ये कमांड A3 यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी की एक zip फाइल क्रिएट करेगा। zip फाइल क्रिएट करेगा टार कमांड /etc/my/solution/user/backup के अंदर। उस फाइल को मैं नेम असाइन कर देता हूँ A3_home.tar.gz। ठीक है, तो जैसे आप ये कमांड एग्जिट करेंगे तो इस A3 यूजर अकाउंट की एक टार फाइल zip फाइल क्रिएट होगी /etc/my/solution/user/backup के अंदर, जिसका नाम होगा A3_home.tar.gz। तो देख लीजिए यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, आप लिस्ट आउट कर सकते हो उसको /etc/my/solution/user। तो यहाँ पर इसकी एक zip फाइल क्रिएट हो चुकी है A3_home.tar.gz। बैकअप लेने के बाद में आपको उस यूजर अकाउंट को डिलीट करने के लिए कमांड एग्जीक्यूट करना है /usr/del/A3। ठीक है, तो अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिर्फ यूजर अकाउंट को डिलीट करेगा, उसकी होम डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि उस यूजर अकाउंट की सभी फाइल्स होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपको usr/del कमांड के साथ में -r ऑप्शन यूज करना होगा, और उसके बाद में A3। -r ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है ताकि usr/del कमांड उस यूजर की होम डायरेक्टरी को भी रिमूव कर दे। ठीक है, तो चेक कर लीजिए cat /etc/passwd। देख लीजिए A3 यूजर अकाउंट यहाँ से रिमूव हो चुका है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसकी होम डायरेक्टरी आप चेक कर सकते हैं ls-l/home। तो देख लीजिए यहाँ पर A3 की होम डायरेक्टरी भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किसी यूजर अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।